हेलो एवरीवन आज हम मैट्रिक्स स्पेसिस का अपना नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एग्जांपल नंबर फोर एग्जांपल नंबर फोर हमारे पास है लेट सी सी डिनोट्स द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ़ वी डिफाइन अ फंक्शन डी फ्रॉम सी क्रॉस सी टू आर सच दैट डी ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल्स टू मोर जैड वन माइनस जैड टू फॉर ऑल जैड वन टू बिलोंग्स टू सी देन सी कॉमा डी इज़ अ मेट्रिक स्पेस हमारे पास सी गिवन है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और डी फंक्शन हमारे पास डिफाइन है जेड वन कॉमा जेड टू इजक्ल्स टू मोर जेड वन माइनस जेड टू हमें प्रूफ करना है कि ये सेट सी विद दिस डिस्टेंस फंक्शन डी इज़ अ मेट्रिक स्पेस अब अगर हमें इसको मेट्रिक स्पेस प्रूफ करना है तो हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा हमें इस डिस्टेंस फंक्शन डी को मीट्रिक प्रूफ करना है और मीट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें चार सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी ठीक है लेकिन उससे पहले क्योंकि जेड वन और जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हमें इनकी फॉर्म पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के होते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई के ठीक है तो जेड वन किस फॉर्म का होगा एक्स वन प्लस अयोटा वाई वन जेड टू किस फॉर्म का होगा एक्स टू प्लस अयोटा वाई टू ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ये सारे कैसे होंगे रियल नंबर्स होंगे अब जेड वन डी जेड वन जेड टू डिफाइन है मोड जेड वन माइनस जेड टू अगर जेड वन माइनस जेड टू करेंगे तो क्या होगा रियल में से रियल पार्ट माइनस प्लस अयोटा वाई वन माइनस वाई टू बन जाएगा मोड और कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे खुलता है आपके पास क्या हो जाएगा अंडर द रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर ठीक है तो ये हमने खोल दिया डी जेड वन जेड अब पहली प्रॉपर्टी के लिए हमें यह दिखाना है कि डी जेड वन जेड टू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहना चाहिए अब अगर हम यहाँ से देखें डी जेड वन जेड टू क्या है मोड जेड वन माइनस जेड टू है मोड किसी भी नंबर का हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा सेकेंड हमारे पास है डी जेड वन जेड टू जीरो कब होना चाहिए जब जेड वन टू जैड टू इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन हमें प्रूव करनी होती है तो अगर हम लेकर चले d z1 वन जेड टू टू जीरो बट दिस मीन्स कि आपके पास जो इसकी डेफिनेशन है दैट इज जेड वन माइनस जेड टू टू जीरो यहाँ से आपके पास क्या आएगा जेड वन माइनस जेड टू जीरो और यहाँ से आपके पास z1 वन इज्वक्ल टू टू इफ़ एंड ओनली इफ का साइन है तो अगर आप यहाँ से शुरू करोगे चलना तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये कंडीशन आ जाएगी ठीक है तो जेड वन माइनस जेड टू का डिस्टेंस जीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ जैड वन टू जेड टू होगा थर्ड कंडीशन हमें प्रूव करनी होती है dz1z2 is equals to dz2z1 तो सपोज करो डी जेड वन जेड टू कितना है जेड वन माइनस जेड टू माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन मोड मोड लेंगे नेगेटिव क्वांटिटी का तो पॉजिटिव हो जाएगा तो बन जाएगा जेड टू माइनस जेड वन दिस इज इक्वल्स टू डी ऑफ जेड टू कॉमन जेड वन थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हमें तीन पॉइंट्स चाहिए होते हैं जेड वन जेड टू जेड थ्री तीन पॉइंट्स ले लिए ठीक है जेड वन से जेड टू का डिस्टेंस निकालते हैं जेड वन से जेड टू का डिस्टेंस कितना बनेगा मोड जेड वन माइनस जेड टू इसमें हम क्या करते हैं जेड थ्री को एड कर देते हैं जेड थ्री को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से मीट्रिक की, तो तो की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी इसका मतलब डी क्या बन गया एक मीट्रिक बन गया और जैसे ही डी को सी के साथ यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा मीट्रिक स्पेस बन जाएगा नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फाइव है लेट डी बी अ फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर सच दैट डी ऑफ एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू डिस्टेंस डिफाइन है कैसे एक्स वन माइनस वाई वन मॉड प्लस एक्स टू माइनस वाई टू मॉड इस तरह से डिफाइन है वेयर दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर स्क्वायर और इसी के सेकेंड पार्ट में हमें मैक्सिमम में डिफाइन कर रखी है और हमें उसको प्रूव करना है मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट में जो डी की डिफाइन कर रखी है उसको हमें चार प्रॉपर्टीज से सेटिस्फाई कराना है अब देखो अगर हम पहले वाली देखें तो क्या हमारे पास की क्या है अगर हम इसको एक्स वन एक्स टू ऑर्डेड पेयर को एक्स नाम दे दें वाई वन वाई टू ऑर्डेड पेयर को वाई नाम दे दें तो हमारे पास अगर देखो तो ये गिवन है एक मोड़ मोड़ किसी भी नंबर के क्या होता है पॉजिटिव दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे भी मोड़ गिवन है तो ये भी कैसा रहेगा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो दो नंबर्स का सम जो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो वो भी कैसा रहेगा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई भी क्या होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें दिखाना है कि डी एक्स वन एक्स वाई जो है वो जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई तो सपोज करो एक्स इज इक्वल टू क्वल टू वाई मींस आपके पास जो एक्स क्या है एक्स इज एक्स वन एक्स टू वाई वाई वन वाई टू एक्स इजक्वल टू वाई होने का मतलब क्या है दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं अगर उनके कॉरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हों तो एक्स इक्वल टू वाई कब होगा जब एक्स वन वाई वन के इक्वल होगा एक्स टू वाई टू के इक्वल होगा ठीक है तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन आ गई क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई है तो हमारे पास क्या हुआ एक्स वन इजक्वल टू वाई वन एक्स टू इक्वल टू वाई टू यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस वाई वन मॉड जीरो एक्स टू माइनस वाई टू मॉड जीरो दोनों का सम करेंगे तो दोनों का सम भी कितना आएगा जीरो और ये क्या है मेट्रिक डी दैट इज डी एक्स वाई इज्कवल टू जीरो इफ एंड ऑन लिफ का साइन चल रहा है अगर उल्टा चलोगे तो भी हमारे पास यही मिलेगा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई थर्ड कंडीशन में हमें दिखाना होता है डीएक्स वाई इजक्वल्स टू डी वाई एक्स तो डीएक्स वाई उठाओ पहले तो डीएक्स वाई जैसे डिफाइन कर रखा है एक्स वन माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस वाई टू अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो कितना बन जाएगा वाई वन माइनस एक्स वन यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो वाई टू माइनस एक्स टू और ये क्या बन गई डिफाइन डी वाई एक्स तो डीएक्स वाई किसके इक्वल हो गया डीवाई एक्स के इक्वल हो गया फोर्थ हमारे पास प्रूव करना है तीन पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे एक्स वाई जेड ठीक है ऑर्डर पेयर में तीन पॉइंट्स उठा लिए हमने डी एक्स वाई निकाला डी एक्स वाई क्या है एक्स वन माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस वाई टू इसमें जेड वन को ऐड किया जेड वन को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ जेड टू को ऐड किया जेड टू को सब्ट्रैक्ट किया ठीक है यहाँ से हमारे पास इनक्वालिटी खुल जाएगी तो क्या बन मोड जा, खुल जाएगा तो क्या बनेगा एक्स वन माइनस जेड वन प्लस जेड वन माइनस वाई वन एक्स टू माइनस जेड टू प्लस जेड टू माइनस वाई टू हमारे पास बन गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मोड अब यहाँ से अगर हम क्या करें हमें बनाना क्या होता है हमें प्रूफ करना है कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई ये हमें प्रूफ करना है ट्रैंगल इनिकवालिटी ठीक तो इसके अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर लो डी एक्स जेड करना है तो एक्स और जेड वाले एक तरफ कर लिए सम में है कोई दिक्कत नहीं है इनको आगे पीछे करने में और डी जेड वाई करना है तो जेड वाई वाले एक तरफ कर लिए तो ये बन गया एक्स वन माइनस जेड वन एक्स टू माइनस जेड टू जेड वन माइनस वाई वन जेड टू माइनस वाई टू ये वाली कंप्लीट होकर एक मेट्रिक बना देगी डी एक्स जेड और ये वाला कंप्लीट होकर मेट्रिक बना देगा डी जेड वाई तो हमारे पास क्या डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई तो चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी इट मीन्स डी इज अ मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर ठीक है नेक्स्ट बी पार्ट में हमारे पास मेट्रिक कैसे डिफाइन है डी एक्स वाई डिफाइन है मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन एक्स टू माइनस वाई इस तरह से हमारे पास रिफाइन है ठीक है इसके लिए भी चारों प्रॉपर्टी दिखानी है देखो पहली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही सिंपल है हमें इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिखाना है अब यहाँ क्या है मोड वंक्चुअन यहाँ भी मोड और मोड हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये वाली चीज़ पॉजिटिव रहेगी इट मीन्स डी एक्स वाई भी कैसा रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना है इसको जीरो लेके चलेंगे जैसे इसको जीरो लेंगे इट मीन्स क्या है मैक्सिमम ऑफ एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू इज जीरो मैक्मममम ऑफ दीज नंबर आर जीरो इट मीन्स ये दोनों आपके नंबर कैसे हो गए जीरो दैट इज़ एक्स वन माइनस वाई वन इज ज़ीरो एंड एक्स टू माइनस वाई टू इज जीरो दोनों नंबर्स अलग अलग ज़ीरो हैं इट मीन्स क्या होगा यहाँ से एक्स वन इजग्वल्स टू वाई वन एंड एक्स टू इज्गल्स टू वाई टू हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ गया यहाँ से x1 वन इक्वल टू वाई वन एक्स इज्क्वल टू वाई टू और अगर हमारे पास x1 वन वाई वन के इक्वल है x2 टू वाई टू के इक्वल है मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स इक्वल हैं तो ऑर्डर्ड पेयर भी आपस में इक्वल हो जाएगा मीन्स एक्स वन कोमा एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन कोमा वाई टू तो यहाँ से क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू वाई तो सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि डी एक्स वाई जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इजक्वल टू वाई थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी में हमें दिखाना है कि डी एक्स वाइज गोल टू डी वाई एक्स तो डी एक्स वाई उठाया मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन एक्स टू माइनस वाई टू माइनस कॉमन लेंगे दोनों में से मोड़ के साथ वो पॉजिटिव हो जाएगा वाई वन माइनस एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू और ये बन गई डी वाई एक्स की डेफिनेशन तो डी एक्स वाईज गोल टू डी वाई एक्स चौथी प्रॉपर्टी के लिए, लिए तीन पॉइंट्स चाहिए एक्स वाई जेड ठीक है अब देखो जो जो दिखाना है उस हिसाब से हमें काम करना है हमें दिखाना है सबसे पहले क्या है हमें दिखाना है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई तो जो दिखाना है हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा अब यहाँ से अगर हम देखें एक्स जेड पर बात करनी है जेड वाई पर बात करनी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कम्पोनेंट्स की बात करते हैं क्योंकि ऑर्डर पेयर में है ना एक्स जेड तो इसके तो कम्पोनेंट्स की बात करनी पड़ेगी तो यहाँ से हमने कर लिया एक्स जेड का पहला कम्पोनेंट एक्स वन एंड जेड वन एक्स वन माइनस जेड वन उठाया ये क्या होगा लेस देन टू होगा मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस डेड वन एक्स टू माइनस डेड टू ये कैसे होगा ये समझ आ, समझ लो इसको मान लो अगर हमारे पास दो नंबर हैं ठीक है अगर हमारे पास दो नंबर हैं जैसे एक नंबर ले लिया हमने टू एक नंबर ले लिया थ्री और अगर हम इसका मैक्सिमम चूज़ करते हैं तो मैक्सिमम इसका क्या आएगा हमारे पास थ्री आएगा मैक्सिमम ऑफ दिस नंबर इज़ थ्री अब जो थ्री है वो क्या है इक्वल टू है मैक्सिमम ऑफ टू कोमा थ्री और टू जो है वो क्या है लेस देन है मैक्सिमम ऑफ टू कोमा थ्री क्यों क्योंकि मैक्सिमम कितना है थ्री तो थ्री इक्वल टू तो थ्री और यहाँ से अगर करें तो थ्री यानी कि टू लेस देन थ्री कंडीशन सेटिस्फाई है ना तो यही सेम प्रोसीजर यहाँ लगाना है एक्स वन माइनस जेड वन देखो अगर एक्स वन वा, इस वाली क्वांटिटी में ये जो लिखा हुआ है अगर इसमें ये वाली चीज़ मैक्सिमम हुई तब तो ये पूरी की पूरी चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी इक्वल का साइन लगा दिया लेकिन अगर ये मैक्सिमम ना हुई तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है ये मैक्सिमम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाली चीज़ इससे छोटी हो जाएगी ठीक है तो लेस देन इक्वल टू तो का साइन आ गया और मेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है डी एक्स जेड के सिमिलरली अगर डी जेड वन वाई वन निकालें डी जेड वन वाई वन क्या होगा वो भी लेस देन इक्वल टू तो होगा मैक्सिमम ऑफ दिस बाय द सेम लॉजिक कि अगर ये वाली चीज़ मैक्सिमम हुई तब तो ये इक्वल आ जाएगा जेड वन माइनस वाई वन के और अगर ये मैक्सिमम ना हुई तब ये ये हो जाएगा Z1 -Y1 के और बाय डेफिनेशन प्लस डी जेड वाई अब, तो अब यहाँ पे उनके भी कॉम्पोनेंट उठा लो एक्स वन माइनस फाइव वन जेड वन को ऐड किया जेड वन को सब्ट्रैक्ट किया मोड़ की डेफिनेशन लगाई एक्स वन माइनस वाई वन यहाँ से क्या हुआ एक्स वन माइनस वाई वन इज लेस देन इक्वल टू दिस और दिस टर्म इज अगेन लेस देन इक्वल्स टू दिस तो इस दोनों ही को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक्स वन माइनस वाई वन क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू डी एक्सैड प्लस डी जेड वाई सिमिलरली हम एक्स टू माइनस वाई टू निकाल सकते हैं अब ये हमने एक कंपोनेंट के लिए किया ना एक्स वन के लिए अब यही सारा प्रोसीजर हम दूसरे कंपोनेंट के लिए भी करेंगे एक्स टू जेड टू जेड टू वाई टू एक्स टू जेड टू सेम प्रोसीजर हम इसके लिए करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा एक्स टू माइनस वाई टू इज लेस देन इक्वल टू डी एक्सैड प्लस वाई अब ये दो आ गए इनक्वालिटी अगर हम क्या करें इधर से इसका मैक्सिमम चूज कर ले दोनों नंबर्स का अगर दोनों नंबर्स इन दोनों टर्म से छोटी हैं तो इनका मैक्सिमम भी ऑब्वियसली इस टर्म से छोटा ही रहेगा अगर एक नंबर टू है वो हमारे पास फोर से छोटा है थ्री है वो भी हमारे पास फोर से छोटा है तो इनका मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होगा थ्री वो भी लेस देन फोर होगा ठीक है तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई कि अगर ये नंबर इससे छोटा है ये नंबर भी इससे छोटा है तो इनका जो मैक्सिमम होगा वो भी इससे छोटा होगा तो मैक्सिमम ऑफ दिस नंबर इज़ लेस देन दिस और मैक्सिमम ऑफ़ दिस नंबर बाय द डेफिनेशन ऑफ मेट्रिक क्या बनेगा डी एक्स वाई तो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई हमारे पास आ जाएगा तो डी क्या बन गई एक मीटरिक बन गई आर स्क्वायर पे नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सिक्स एग्जाम्पल नंबर सिक्स में हमारे पास क्या है लेट मीट्रिक स्पेसिस हमारे पास एन मीट्रिक स्पेसिस गिवन है एक्स वन डी वन एक्स टू डी टू एक्स एन डी एन एक्स वन एक सेट uh, है D1 वन उस पर मीट्रिक है तो ये मिल गया मेट्रिक स्पेस ये भी एक मेट्रिक स्पेस है ये भी एक मेट्रिक स्पेस है इट मीन्स D1, D2, Dn सारे के सारे मेट्रिक हैं ये मेट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं लेट एक्स इजिकल्स टू प्रोडक्ट i1 वन टू एन एक्स आई ये हमारे पास क्या है इन x1, x2, xn की प्रोडक्ट दे दी कार्ट प्रोडक्ट ठीक है अब कहते हैं इफ़ फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट ऑफ x की x का अगर हम एक पॉइंट पेयर का पॉइंट उठाएं x हमारे पास क्या है ये इसके पॉइंट कैसे होंगे एक यहाँ से आएगा दैट इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन तो ये बन गया इसका पॉइंट इसको नाम दे दिया एक्स ये किसका पॉइंट बनेगा कैपिटल एक्स का ठीक है सिमिलरली बाई इसका पॉइंट बन गया एक फंक्शन डी डिफाइन किया है डी कैसे डिफाइन किया डी एक्स वाई इज गल्स टू मैक्सिम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई कि मैक्सिमम उठाना है इन मेट्रिक का एक्स आई वाई आई तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सेट है एक्स इस डी के अंडर क्या बनता है मेट्रिक स्पेस बनता है ठीक है अब देखो सबसे पहले क्योंकि अब इसको हमें मेट्रिक प्रूव करना है तो इस पे बात करते हैं इसको हमें पहले तो पॉजिटिव दिखाना है ये क्या डिफाइन है मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई डिफाइन है और हर एक डी आई क्या है मेट्रिक है ठीक है ये गीवन है ऑलरेडी हर डी आई मीट्रिक है अगर हर डी आई मीट्रिक है तो हर एक डी आई को पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी मतलब हर डी आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा अगर हर डी आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो अगर उनका मैक्सिमम चूज़ करें वो भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ठीक है यहाँ से हमने इसका मैक्सिमम चूज कर लिया डी आई एक्स आई का वो किसके इक्वल है डी एक्स वाई बाय द डेफिनेशन एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई सेकंड सेकंड में हमने क्या दिखाना है डी एक्स वाई जीरो इफ एंड ओनलीफ एक्स इज इक्वल टू वाई तो उठा के चलो डी एक्स वाईज जीरो डी एक्स वाई ज़ीरो होने का मतलब क्या है मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आईज जीरो मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई ज़ीरो है इट मीन्स हमारे पास क्या है डी ओ आई एक्स आई वाई आई ज़ीरो है ठीक है और अगर ये चीज़ जीरो है डी आई मै मीट्रिक है मीट्रिक है तो क्या होगा कि ये तभी ज़ीरो हो सकता है जब एक्स आई इज़ इजल टू वाई आई हो अगर एक्स आई इज्क्वल टू वाई आई है मतलब क्या है फॉर ऑल आई यानी कि एक्स वन इज वाई वन एक्स टू इज्क्ल टू वाई टू एक्स थ्री इज्क्वल टू वाई थ्री एक्स एन इज्वल टू वाई वन मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग कम्पोनेंट्स इक्वल है अगर कॉरस्पॉन्डिंग कम्पोनेंट्स इक्वल हैं तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा ठीक है फिर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थर्ड कंडीशन में हमें क्या दिखाना है डी एक्स वाई इज टू डी वाई एक्स दिखाना है अब डी एक्स वाई इज्वल टू डी वाई एक्स दिखाना है क्योंकि हरेक डी आई तो मीट्रिक है तो हरेक डी आई तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी ही करेगी ठीक है तो डी आई ऑफ एक्स आई वाई आई इज्कल टू डी आई ऑफ वाई आई एक्स आई अगर दोनों तरफ हम मैक्सिमम चूज कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है और जैसे ही मैक्सिमम चूज़ किया तो क्या बन गया डी एक्स वाई इज्क्वल टू डी वाई हमारे पास बन गया अब बात आती है चौथी प्रॉपर्टी की चौथी प्रॉपर्टी के लिए हमें तीन पॉइंट चाहिए होते हैं एक्स और वाई दो पॉइंट तो हम ऑलरेडी उठा रखे हैं। जेड हमने तीसरा पॉइंट और उठा लिया ठीक है अब बात करनी होती है क्या डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जैड प्लस डी जेड वाई पर बात करनी होती है तो डी एक्स जेड उठा लो पहले राइट साइड का डी एक्स जेड क्या बनेगा हमारे पास मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स जेड आई बाई दिस डेफिनेशन ठीक है मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई जेड आई अब मैक्सिमम है किसी का तो कुछ ना कुछ नंबर तो होगा वो किसी ना किसी के इक्वल तो होगा तो हमने वो सपोज कर लिया वो डी जे एक्स जे जेड जे के इक्वल है जनरल उठा लिया फॉर जे आई लाइज बिटवीन वन टू एन सिमिलरली डी जेड वाई उठाया डी जेड वाई क्या बनेगा बाई डेफिनेशन डी आई ऑफ जेड वाई आई ठीक है अब इसका भी मैक्सिमम है तो किसी ना किसी नंबर के इक्वल तो होगा वो हमने ले लिया डीके ऑफ जेड के वाई के फॉर के लाइज बिटवीन वन टू तो एन अब देखो हर एक आई के लिए जो हमारे पास वन टू एन के बीच में लाई करता है ये जो डी आई एक्स आई जेड आई है वो इससे छोटा होगा क्योंकि क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम है ये मैक्सिमम है तो हर एक डी आई इससे छोटा होगा सिमिलरली ये इनका मैक्सिमम है तो ये हमारे पास क्या होगा हर एक डी आई जेड आई वाई आई इससे छोटा होगा डी के जेड के वाई के से ठीक है यहाँ तक अब क्योंकि डी आई मीट्रिक है डी आई मीट्रिक है तो वो ट्राइंगल इनई क्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी तो ये हमने लगा ली ट्राइंगल इन एक डी आई के कॉरस्पॉन्डिंग अब डी आई ऑफ एक्स आई जेड आई किससे लेस है डी जे से लेस है तो इसको इससे रिप्लेस कर दिया डी आई ऑफ जेड आई वाई आई किस लेस है डी के से लेस है तो इसको इससे रिप्लेस कर दिया लेस था तो इन क्वालिटी सेम रहेगी डी आई ठीक है अब डी आई एक्स आई वाई आई क्या हो गया अगर डी जे से लेस है और डी के से लेस है तो अगर हम इनका मैक्सिमम चूज़ करें तो ऑब्वियसली उससे भी लेस होगा ठीक है तो मैक्सिमम ऑफ़ दिस मैक्सिमम ऑफ दिस तो ये इससे भी लेस हो जाएगा और मैक्सिमम ऑफ डी जे एक्स जे हमारे पास क्या है डी एक्स जेड एंड मैक्सिमम ऑफ जेड के वाई के क्या है डी जेड वाई ठीक है यहाँ तक अब अगर हम इसके लेफ्ट साइड का मैक्सिमम चूज़ कर लें दैट मैक्सिमम ऑफ आई फ्रॉम वन टू एन डी आई एक्स आई वाई आई ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई और मैक्सिमम ऑफ़ डी आई एक्स आई वाई आई बाई द डेफिनेशन किसके इक्वल है डी एक्स वाई की यानी कि डी एक्स वाई इज लेस दैन इक्वल टू तो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई तो हमारे पास ट्राइंगल एन इक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई अगर डी ने ट्राइंगल एन इक्वालिटी सेटिस्फाई कर दी तो हमारे पास इसकी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के कारण डी बन गया मेट्रिक और मेट्रिक को अगर हमने सेट के साथ यूज कर लिया तो ये बन गया हमारे पास मेट्रिक स्पेस ठीक है ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला काम है ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि डी आई हर एक मेट्रिक गिवन है तो सिर्फ हमें उसका ही यूज़ करते जाना है उसी के यूज़ के हमारे पास डी मेट्रिक बनेगा फिर भी अगर इस पार्ट में किसी को कोई दिक्कत आती है तो गूगल मीट में पूछ सकते हैं